नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में कक्षा 10 में पुस्तक चलती है हिंदी की, और उस पुस्तक में संस्कृत का एक विषय रखा हुआ है जो संस्कृत परिचायिका के नाम से है, जिसमें लगभग 7 पाठ आपको मिलते हैं। उनमें यह जो पाठ है हमारा, और यह है द्वितीय पाठ। कौन सा पाठ है विद्यार्थियों? द्वितीय पाठ। द्वितीय कहते हैं दूसरा, यानी द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ। और दूसरा पाठ है उसका क्या नाम है? अन्योक्ति विलास, अर्थात कथन तो किसी दूसरे के लिए किया जाता है और उसके द्वारा जो मनोरंजन है उसको कहते हैं हम अन्योक्ति विलास। तो देखिए क्या कहा है कि नितराम नीचोस्मि इति त्वं खेदं कूपः कदापि मा कृथा, कि हे कुए, यहाँ विसर्ग हैं, क्या कहते हैं कि नितराम नीचोस्मि त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो परेशान गुण गृहीतासि। क्या कहते हैं देखिए कि नितराम कहते हैं हमेशा, नीचो अस्मिति, नितराम का अत्यधिक के अर्थ में भी आ जाएगा कि नितराम नीचो अस्मिति, कि नितराम यानी अत्यधिक, नीचो अस्मिति नीचा हूं, तुम माने तुम, खेदम माने दुख, कूप हे कुए, कदापि कभी भी, मां माने मत, कृथा माने कर। क्या कह रहा है कभी कि मैं अत्यंत नीचा हूं, इस बात को सोच करके हे कुए तुम कभी भी दुख व्यक्त मत करो। क्यों? अत्यंतम सरद हृदयो, कि अत्यंतम सरस हृदयो, कि तुम कैसे हो? अत्यंत सरस हृदय वाले हो। तो अत्यंतम सरस हृदयो, कि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, और परेशान गुण ग्रहिता से, कि परेशान माने दूसरों के गुण ग्रहिता से, कि गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अब देखिए जो हमारा पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक में तो क्या कवि ने क्या बताया कि नितराम नीचो अस्मिति, कि अगर कोई ये पूछता सोचता है कि मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, नीच हूँ, तो ऐसा खेद ऐसा दुख कभी भी नहीं करना चाहिए। ये अन्य के द्वारा ये समझाया गया है। अन्य का तात्पर्य क्या है? जो कुआ है, कुएं के माध्यम से इस बात को समझाया गया है कि अगर ऐसा होता है तो कभी भी व्यक्ति को कोई भी अफसोस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति दूसरों के गुणों को ग्रहण करता रहता है। जिस प्रकार कुआ जो होता है, और कुएं से क्या है, रस्सी द्वारा पानी निकाला जाता है, तो वह उस, क्योंकि रस्सी को गुण भी कहते हैं, तो रस्सी के गुणों को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वह भी दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है। तो इसलिए कहते हैं कि हे कूप तुम कभी भी, हे कुए तुम कभी भी अफसोस मत करो। क्यों? क्योंकि तुम सरस हृदय हो, यानी तुम्हारा हृदय बहुत अच्छा है और तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। अब देखिए एक आगे उक्ति है कि नीर छीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत, और विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। क्या कहा? नीर छीर विवेके, नीर कहते हैं पानी को और छीर कहते हैं दूध को, विवेके माने विवेक में, ज्ञान में, हंस हे हंस, आलस्यम आलस्य त्वमेव तुम ही तनुषे करोगे चेत माने यदि। क्या कहा कि नीर छीर विवेके, नीर कहते हैं दूध पानी को और छीर कहते हैं दूध को, तो नीर छीर विवेके हंसालस्यम, के हे हंस, आलस्य माने आलस्य को, तुम्हें तनुषे चेत,
कि तुम ही यदि करोगे तो विश्वस्मिन यानी विश्वस्मिन कहते हैं इस विश्व में अधुना माने आज अन्य माने दूसरा कुल व्रत माने कुल के व्रत को पालयस्यति पालन करेगा कह माने कौन। तो इसमें क्या बताया गया है कि कभी हंस के माध्यम से कह रहा है क्योंकि हंस में एक कला होती है और हंस की क्या कला होती है कि हंस दूध और जल को अलग अलग कर सकता है। यह उसकी कला होती है कि हंस दूध जैसे दूध और जल को मिला दें यानी दूध में यदि हम पानी मिला देते हैं तो क्या होता है अगर हम हंस को दे दें तो हंस में यह योग्यता होती है हंस की यह विशेषता होती है हंस का यह गुण होता है। क्या गुण होता है कि जो हंस है वह दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। यही इसमें बताया गया है कि जो हंस है वो दूध और पानी दोनों को अलग अलग कर सकता है। तो इसलिए बताया कि हे हंस अगर तुम अपने कार्य को करने में ही आलस करोगे तो फिर इस संसार में दूसरा कौन ऐसा होगा जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। अर्थात जिस व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसको करनी चाहिए, अगर वही अपनी जिम्मेदारी को नहीं बहन करेगा तो फिर क्या है दूसरा क्यों करेगा। तो यहाँ अन्य उक्ति किसके माध्यम से है, यहाँ अन्य उक्ति है हंस के माध्यम से कि हे हंस अगर तुम ही अपने कार्य को नहीं करोगे तो दूसरा कोई व्यक्ति क्यों करेगा। क्यों? क्योंकि जो दूध और जल को अलग करने की जो योग्यता है वो किस में होती है, केवल हंस में होती है। और हंस ही अगर अपने कार्य को नहीं करे तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा। यही बताया है। क्या कहा, देखिए नील क्षीर विवेक है यानी दूध और जल और दूध को अलग करने के ज्ञान में हंस हे हंस आलस्यम तमेव तनुसेचित यदि तुम ही आलस्य करोगे तो विश्वस्मिन अधुना अन्यः कि इस विश्व में अन्य कुल व्रतम पालयस्यति कहा कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कुल के व्रत का पालन करेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आगे जो बताया है वह क्या बताया है कि कोकिल कोकिल कहते हैं हे कोयल यापय यापय माने व्यतीत करो दिवसान माने दिनों को और कैसे दिन है तावत तब तक बिरसान माने जो रस से रहित हैं करील बिटपेशु करील नाम है और बिटप कहते हैं वृक्ष को। एक झाड़ी होती है करील की जिसपे पत्ते नहीं होते हैं, पत्ते तो होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसपे छाया नहीं होती है। तो क्या बताया कि कोकिल ही कोयल यापय व्यतीत करो दिवसान दिनों को तावत तब तक बिरसान जो रस से रहते हैं करील बिटपेशु यानी जो करील के पौधे या पेड़ जो बिरस हैं, बिरस का तात्पर्य क्या होता है जो रस रहित हैं ऐसे करील के वृक्षों पर व्यतीत करो। बिटप कहते हैं डाली को यानी करील की डालियों पर व्यतीत करो यावन मिल यानी यावन माने जब तक अलिमाल के अलिमाल कहते हैं भौरों का झुंड को अपि रसाल समुल्लसति यानी कोई भी ऐसा रसाल रसाल कहते हैं आम्र समुल्लसति विकसित नहीं हो जाए। अर्थात जब तक आम्र विकसित नहीं हो जाए तब तक हे कोयल तुम इन दिनों को इसी प्रकार से व्यतीत करो। अर्थात जो कोई व्यक्ति है जिस पर भी दुख आता है दुख के बाद सुख आता है सुख के बाद दुख आता है यह जो प्रक्रिया है नियंत्रण निरंतर चलती रहती है। और तभी क्या कहा है कोयल के माध्यम से कहा कि हे कोयल तुम तब तक इन रस से रहित दिनों को व्यतीत करो और कहाँ पर करील के वृक्षों पर करील की डालियों पर जब तक कोई भी भौरों के झुंड से युक्त आम्र का जो वृक्ष है वह विकसित नहीं हो। इसका मतलब जब तक बसंत ऋतु नहीं आ जाए तब तक तुम्हें क्या करना है कि ये जो करील के वृक्ष हैं उन्हीं पे अपना समय व्यतीत करना है। ये किसने बताया, यह बताया कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से। अर्थात
कोई भी व्यक्ति दुख से अगर अधिक दुखी हो जाता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना है कि व्यक्ति पर दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। तो दुख के दिनों में व्यक्ति को ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए और सुख के दिनों में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख और सुख तो व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कि जो दुख हैं और जो सुख हैं वे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं, इसलिए कभी भी व्यक्ति को दुखों के दिनों में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख के दिनों में ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। तो क्या कहते हैं कोयल के माध्यम से कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम अपने इन दिनों को ऐसे ही व्यतीत करो करील की डालियों पर, और तब तक करना है जब तक कोई भी आम्र का वृक्ष भौरों के झुंड से युक्त विकसित नहीं हो जाए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, यह एक चातक पक्षी होता है और जो चातक पक्षी होता है उसका स्वभाव यह होता है कि वह स्वाति नक्षत्र की बूंद ही ग्रहण करता है। यानी जो मेघ से बादलों से जो बरसात होती है उसी की बूंद को वह ग्रहण करता है, ऐसी हमारे साहित्य में मान्यता है। तो यहाँ चातक से बताया गया है, तो यहाँ चातक से कहा गया है कि हे चातक, तुम प्रत्येक बादल के सामने अपनी ध्वनि मत किया करो। क्यों? क्योंकि कुछ बादल तो ऐसे होते हैं जो वर्षा करते हैं और पृथ्वी को गीला करते हैं, और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो वर्षा नहीं करते, व्यर्थ में ही गरजते हैं। अर्थात जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के सामने मांगता है, अर्थात किसी व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के सामने मांगने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति देने वाला नहीं होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है जो देने वाला होता है और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो वैसे ही बड़ी बड़ी बातें करता है। तो इसलिए यहाँ चातक के माध्यम से कहा है कि प्रत्येक बादल को देख करके अपनी जो दीन वाणी है नहीं कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दीन वाणी होती है प्रत्येक बादल के सामने अगर आप कहेंगे या प्रत्येक व्यक्ति से अपने दुखों को सुनाएंगे तो क्या होगा, वह व्यक्ति दुखों को दूर नहीं करेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं आपके सुख और दुख में दूर हो जाते हैं, सॉरी आपके सुख और दुख को बांट लेते हैं, किंतु कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी बातों को सुन जाते हैं लेकिन उन पर कोई भी मदद जैसी प्रक्रिया नहीं करते। तो देखिए क्या कहा कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सुरुईतम अम्बुदा भवो ही संति गगने सर्वे नैतादृशः केचित वृष्टि विरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा और यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच। कि रे रे चातक, कि अरे अरे चातक, हे पपीहा, चातक पपीहा को भी बोलते हैं कि हे हे पपीहा, हे हे चातक, सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, कि हे मित्र क्षण भर के लिए सावधान मन से सुनो, अर्थात ध्यान लगा करके सुनो, सावधान मन से सुनो। क्या कहा? सावधान मनसा यानी सावधान मन से, मित्र हे मित्र क्षणम क्षण भर के लिए श्रूयताम सुनिए, कि मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ क्षणभर के लिए मेरी बात सुनो। और अम्बुदा, अम्बुदा कहते हैं बादल, बहवो माने बहुत से, ही माने क्योंकि, संति माने हैं गगने आकाश में, सर्वे भी यानी सभी, नैतादृशा ऐसे नहीं है। क्या कहा? कि अम्बुदा बहवो ही संति गगने, कि बादल बहुत हैं, बहुत हैं गगने आकाश में, सर्वे भी नैतादृशा के सभी ऐसे नहीं है। कैसे? केचिद वृष्टि विरार्दयन्ति वसुधाम, कुछ तो वर्षा के द्वारा वसुधा को पृथ्वी को गीला करते हैं, अर्थात कुछ बादल तो ऐसे हैं जो वर्षा करते हैं और पृथ्वी भीग जाती है, और गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में ही गरजते हैं, अर्थात केवल गरजते हैं बरसते नहीं हैं। फिर देखिए यम यम पश्यसि,
जिस जिस बादल को देखते हो तस्य तस्य पुरतो, तस्य तस्य माने उस, पुरत माने सामने, माँ माने नहीं, विरोही माने कहो, दीनम बचह, अपने दुख के जो वचन है प्रत्येक बादल के सामने मत कहो। तो क्या कहा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ विरोही दीनम बचह, कि जिस जिस बादल को तुम देखते हो उस बादल के सामने अपनी दीनवाणी नहीं कहनी चाहिए, यानी जिस जिस बादल को देखते हो उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कहो। तो यहाँ क्या है, चातक के माध्यम से, पपीहा के माध्यम से यह अन्योक्ति है। अन्योक्ति क्या है, यह व्यक्ति को ये कह बताया गया है कि हर व्यक्ति के सामने अपने दुखों का कथन नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो समस्याओं का समाधान करता है और कोई कोई लंबी लंबी बातें करता है लेकिन आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों दो उक्तियां और हैं जिनको हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।